होंडा एक्टिवा ई की भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। इस बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक एडवांस लेड हेडलाइट, डीआरएल और टेल लैंप, 12 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें 5 आकर्षक रंग ऑप्शन पल शैलो ब्लू, पल मिस्टी व्हाइट, पल सेरेनिटी ब्लू, मैट फोगी सिल्वर मेटेलिक और पल इग्नियस ब्लैक मिलते हैं। नए होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर में दर्जनों आकर्षक फीचर्स हैं। इसमें 7.0 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हैंडल बार पर टॉगल स्विच, एच स्मार्ट की, स्मार्ट फाइंड, स्मार्ट सेफ, स्मार्ट अनलॉक और स्मार्ट स्टार्ट सुविधाएं मिलती हैं। इसमें डिस्क ड्रम ब्रेक विकल्प के साथ टेलीस्कोपिक फॉक्स और डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन सेटअप भी मिलता है। नए होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्वैपेबल बैटरी सेटअप है। इसमें 1.5 किलोवाट KWH क्षमता का डुअल रिप्लेसेबल बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है। इसमें इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक मोटर 6 KW की अधिकतम पावर और 22 NM का पीक टॉर्क जनरेट करती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज पर 102 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है। नया एक्टिवा स्कूटर सिर्फ 7.3 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। इसमें 3 राइडिंग मोड सीकॉन, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट दिए गए हैं। इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1,00,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर बेचे जाने की उम्मीद है। यह ई स्कूटर केवल बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसकी बुकिंग 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी और डिलीवरी फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। होंडा एक्टिवा ई भारतीय बाजार में ईथर रिज्टा, TVS iQube, हीरो विडा, ओला S एक और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को कड़ी टक्कर देगी।